please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली के बुराड़ी में संदिग्ध हालत में 11 लोगों की मौत की गुत्थी सुलझने का दावा किया जा रहा है। 30 जून की सुबह एक ही परिवार के 11 लोगों के शव उनके मकान में लटके हुए मिले थे, जिसके पीछे का राज 2.5 महीने बाद पता चला। इस वारदात का सच उस परिवार की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी यानी एक तरह के मनोवैज्ञानिक पोस्टमार्टम से सामने आया। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के मुताबिक भाटिया परिवार अंधविश्वास और मानसिक बीमारी से जकड़ा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक परिवार को एहसास नहीं था कि उनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि वो धार्मिक अनुष्ठान के तहत फांसी पर लटके, जिसमें सभी 11 लोगों की जान चली गई। इंटेंशन नहीं थी मरने की, पर जो काम किया उसके अंदर लिथैलिटी जरूर थी मरने की। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक पूरा भाटिया परिवार घर के छोटे बेटे ललित के कहने पर ही चलता था, लेकिन जिस ललित पर परिवार भरोसा करता था वो तरह तरह के अंधविश्वास के शिकंजे में फंसा हुआ था। इसलिए वो आए दिन न केवल अपने मकान में विशेष पूजा अर्चना करते थे, बल्कि अपने पिता की आवाज में ही सभी लोगों को हुक्म सुनाते थे और परिवार से जुड़े सभी फैसले भी वही लेते थे। मनोवैज्ञानिकों को ललित की मानसिक हालत को समझने में एक डायरी से मदद मिली, जिसे ललित पिछले 11 साल से लिख रहा था। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के मुताबिक ललित घर में उसी जगह पर बैठते थे जहां उनके पिता बैठते थे। इसके बाद वो घर के सभी सदस्यों को अपने सामने बिठाकर उन्हें भविष्य की योजनाएं बताते थे। ललित परिवार के सदस्यों को यही बताते थे कि ऐसा उसके पिता ने कहा। उनकी कही बातों को उनकी भांजी प्रियंका और भतीजी नीतू एक डायरी में लिखती थी। मनोवैज्ञानिकों का दावा है कि ललित की बीमारी को परिवार के दूसरे सदस्य चमत्कार मानते हुए उनके प्रभाव में आ गए और उनके कहने पर पूरा परिवार फांसी के फंदे पर झूल गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोस ने जम्मू कश्मीर से अफ्सपा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटाने की मांग की है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सैफुद्दीन सोस ने दावा किया कि अफ्सपा की वजह से घाटी में अलगाव की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए वहां के लोगों की बेहतरी के लिए अफ्सपा को हटा देना चाहिए। अफ्सपा के तहत घाटी में तैनात जवानों को आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष अधिकार मिले हुए हैं। अफ्सपा को खत्म करना चाहिए, इससे कश्मीर में तबाही हो गई और एलिनेशन बढ़ गई है और जब जहनों में इज़्तिराब है और मरकजी सरकार का यूनियन ऑफ इंडिया का कोई फायदा इससे नहीं हुआ। अमेरिका के पिट्सबर्ग में सर्कस के एक शो के दौरान अचानक भगदड़ मच गई। ये भगदड़ तब मची जब कुछ लोग जानवरों की सवारी कर रहे थे, तभी एक ऊंट बेकाबू हो गया, जिसकी वजह से 7 लोग घायल हो गए। इस भगदड़ के दौरान ऊंट ने अपनी पीठ से लटकी महिला को बार बार उछलकर गिराने की कोशिश की। चश्मदीदों के मुताबिक ऊंट की एड़ी मुड़ गई थी, जिसके बाद वो उछल कूद करने लगा। इस बीच सर्कस के एक कर्मचारी ने एक और ऊंट को कसकर पकड़ लिया ताकि वो भी उछल कूदना शुरू कर दे। वहीं सर्कस के कुछ कर्मचारियों ने थोड़ी देर की मेहनत के बाद बेकाबू हुए ऊंट पर काबू पा लिया। हालांकि यह हंगामा कुछ देर के लिए हुआ, लेकिन इस दौरान कई लोग घायल हो गए, जिनमें बच्चे भी थे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने दिव्यांगों से जुड़े एक कार्यक्रम में मंच से एक आदमी को उसके पैर तोड़ देने की धमकी दी। कार्यक्रम में मौजूद उस आदमी के एक जगह पर नहीं बैठने की वजह से बाबुल सुप्रियो का गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद बाबुल सुप्रियो ने गुस्से में सबके सामने मंच से ही उस आदमी को फटकार लगाने शुरू कर दी और किसी की फिक्र ना करते हुए उन्होंने उस आदमी को धमकी दे दी। क्या हो गया भाई साहब, कोई तकलीफ है? आपका एक काम करो कि फिर मैं आपको क्लच दे सकूं। बाबुल सुप्रियो इतने पर ही नहीं रुके और उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात एक जवान को भी उस आदमी पर नजर रखने का आदेश दिया। अगली बार ये अगर वहां से हिले तो आप उंगलियों का एक पैर खोल लीजिएगा, मैं एक लाठी को दे दूंगा। हालांकि इस बीच बाबुल सुप्रियो इस बात से अनजान थे कि उनकी ये हरकत कैमरे में कैद हो गई, जबकि उस आदमी ने भी किसी तरह की आपत्ति नहीं जताई। बाद में बाबुल सुप्रियो ने उस कार्यक्रम में दिव्यांग लोगों को व्हीलचेयर बांटी। मुंबई में एक कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस विधायक आरिफ नसीम खान पर नोटों की बारिश की गई। ये कार्यक्रम मछली के कारोबार से जुड़े भानुशाली समाज की तरफ से आयोजित किया गया, जहां पहुंचने पर परंपरा के मुताबिक नोट बरसाकर कांग्रेस विधायक आरिफ नसीम खान का स्वागत किया गया। नोटों की बारिश के दौरान कांग्रेस विधायक मुस्कुराते रहे। विधायक पर नोटों की बारिश का ये वीडियो बाद में वायरल हो गया, लेकिन आरिफ नसीम खान ने इसके पीछे सियासी साजिश का आरोप लगा दिया। महाराज सरकार कम से कम राज्य का जो कर है, टैक्स है, ये उसमें कटौती कर। और जैसे इस बात को हमने मीडिया में भेजा कि हमने आज ये मांग की है, पत्र रिलीज किया, वैसे ये वीडियो वायरल किया गया। वहीं वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने नसीम खान पर कार्रवाई की मांग की।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में कांग्रेस की पूर्व विधायक कल्पना परुलेकर ने वहां के महितपुर नगर पालिका के सीएमओ यानी चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर को अपशब्द कहते हुए जूते मारने की धमकी दी। उन्होंने सीएमओ पर वहां के लोगों की मांग पूरी नहीं करने का आरोप भी लगाया और नगर पालिका के दफ्तर पहुंचकर सीएमओ को फोन पर फटकार लगाने लगी। तुम्हारे आदमी नहीं है। फोन पर सीएमओ से बात करते हुए कल्पना परुलेकर का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने सीएमओ के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर दिया। तुम जूते खाने वाला काम कर रहे हो। कि जब तक सीएमओ नहीं बोलेगा तब तक लाइट नहीं लगेगा। कल्पना परुलेकर का गुस्सा इतने पर भी शांत नहीं हुआ। वो नगरपालिका अध्यक्ष के सामने सीएमओ के लिए अपशब्द कहती रही, जबकि नगरपालिका अध्यक्ष भी सीएमओ पर लोगों के हित के काम नहीं करने का आरोप लगाते रहे। आप अगर मेरे पास आ जाते सीएमओ को जूता मैं लगाती। सीएमओ हमारे आदमी नहीं है, हम सीएमओ के आदमी नहीं है। कल्पना परुलेकर के ये तेवर लोगों के सामने भी जारी रहे और वो सीएमओ के खिलाफ लोगों को उकसाती नजर आई। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसराइल की सीमा के नजदीक गाजा के समंदर के किनारे फिलिस्तीन के सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किए। उन्होंने नाव में इसराइल की सीमा में घुसने की कोशिश की जिसे सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया। जब सैकड़ों की संख्या में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने समंदर के किनारे जमा होकर प्रदर्शन किया, कुछ प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन का झंडा लगी नावों से इसराइल में घुसने की कोशिश की। जल्द ही मोटरबोट पर सवार इसराइली सैनिकों ने फिलिस्तीनी नावों को खदेड़ दिया। वहीं जमीन के रास्ते से इसराइल में घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक गाड़ी से आए सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की। किनारे पर मौजूद लोगों पर आंसू गैस के गोलों की बारिश होने लगी। प्रदर्शनकारियों ने भी सैनिकों पर पत्थर फेंके, जिसके बाद इसराइल की कार्रवाई में 25 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए। कुछ घायलों को स्ट्रेचर से एम्बुलेंस तक ले जाया गया जो उन्हें अस्पताल ले गए। खबर ये भी है कि भीड़ का फायदा उठाकर किसी ने एक इजरायली सैनिक को गोली मार दी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में बड़ी संख्या में किसानों और मजदूरों ने हाथों में झंडे लेकर प्रदर्शन किया। ये लोग अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ इन लोगों ने एक बाइक रैली निकाली। किसानों और मजदूरों की ये बाइक रैली शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। मनाता हिंदुस्तान, मजदूर किसान। बाइक रैली निकालने के बाद इन लोगों ने एक सभा की जिसमें इन किसानों और मजदूरों ने सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। अपना अधिकार मांगते, इन लोगों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। लागत के हिसाब से मूल्य नहीं मिल रहा है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगातार फसलें बर्बाद हो रही है और पिछले भी हमारा जो बीमा क्लेम है अभी तक कई किसानों को मिल नहीं पाया। साथ ही इन लोगों ने मांग नहीं माने जाने पर चुनाव में अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। सरकार को हमारी चेतावनी है कि अगर हमारी फसलों का और जो लागत है उस पर अगर अनुदान की हमारी मांग को नहीं माना गया तो सरकार को इसका झटका और इसका जो नतीजा है वो भुगतना पड़ेगा। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में भी बड़ी संख्या में किसानों और मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। मध्य प्रदेश के सतना में सवर्ण समाज के कुछ लोगों ने वहां से गुजर रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान के काफिले को काले झंडे दिखाए। शिवराज सिंह चौहान पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन SC/ST एक्ट में बदलाव का विरोध कर रहे सवर्ण समाज के लोगों ने सड़क से गुजर रहे सीएम के काफिले को काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। काले झंडे दिखाने के दौरान वहां तैनात पुलिस वालों और प्रदर्शनकारियों में जमकर धक्का मुक्की भी हुई। इस बीच भीड़ को बेकाबू होते देख पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की पिटाई से बचने के लिए प्रदर्शनकारी इधर उधर भागने लगे जिसकी वजह से वहां पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल बन गया। सवर्ण समाज के लोगों ने SC/ST एक्ट में बदलाव के मुद्दे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की चुप्पी पर नाराजगी जताई। दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रहे RSS के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने हिंदुत्व समेत कई मुद्दों पर अपना नजरिया सबके सामने रखा। इस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने साफ किया कि RSS का सरकारी कामकाज में कोई दखल नहीं। साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के उन आरोपों का जवाब भी दिया जिसमें RSS के मुस्लिम विरोधी होने का दावा कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल करते हैं। हिंदू राष्ट्र है, इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। RSS के संविधान विरोधी होने के आरोपों का जवाब भी RSS प्रमुख मोहन भागवत ने इस कार्यक्रम में दिया। इसलिए प्रश्न नहीं उठता, संविधान को मानकर ही संघ चलता है, संविधान कानून का पूर्ण सम्मान रखता है, संविधान कानून के खिलाफ हमने कुछ किया है ऐसा एक भी उदाहरण नहीं। इसके अलावा राम मंदिर मुद्दे का नाम लिए बगैर मोहन भागवत ने महत्वपूर्ण मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने पर जोर दिया।